हेलो दोस्तों, आज हम बात करना रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर UKPSC के द्वारा जारी कर रखे हैं भर्तियों के संबंध में। तो अलग अलग अपडेट हैं, दोनों के दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर क्या अपडेट है आज की न्यू। तो पहली अपडेट आप लोग यहाँ पर देखिए, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर 21 दिसंबर 2021 को कार्यालय ज्ञापन आप लोग देखते हैं, और ये भर्ती आपकी है जो कि विज्ञापन संख्या आप लोग यहाँ पर देखते हैं 11 सितंबर 2021 को द्वारा यहाँ पर जो है भूतत्व एवं जो है खनिकर्म इकाई उद्योग निर्देशालय के अंतर्गत जो है प्रावधिक सहायक भू भौतिकी के जो है एक पद के लिए जो है आवेदन करने के लिए बोला गया था। उस पर जो है 18 अक्टूबर 2021 तक जो है यहाँ पर जितने भी समस्त जो आपके अभिलेख सत्यापन है उसको करना था, और इसमें जो है अभिलेख की जो है संरक्षा के उपरांत जो है कई अभ्यर्थियों के जो है डॉक्यूमेंट इनके जो अभिलेख प्रमाण पत्र हैं वो कार्यालय पर उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिनका यहाँ विवरण दिया हुआ है। तीन लोग हैं जिसमें आप लोग देखते हैं, मयंक आर्य करके इनका जो है MSc है, और शिवाजन प्रमाण पत्र इनका नहीं है, उसके बाद स्वाति चंद्र है इनका यहाँ पर MSc, और यहाँ पर जो अभ्यर्थी के नाम से जो है भिन्न संबंधित जो शपथ पत्र है वो मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, और वहीं यहाँ पर सुनीत कुमार करके BSc और MSc की जो यहाँ पर उपाधि है वो नहीं है। तो इनको यहाँ पर कहा गया है कि 11 जनवरी तक जो है यहाँ पर आप डाक द्वारा या किसी भी अन्य माध्यम से जो है एक अंतिम अवसर दिया गया है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं वहाँ पर 11 जनवरी तक, और अन्यथा यहाँ पर जो है साक्षात्कार में जो है यहाँ पर सबमिट नहीं कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें जो है सबमिट नहीं किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है एक और यहाँ पर उसी भर्ती का यहाँ पर जो है और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट थे उसमें अभिलेख सत्यापन उपलब्ध न कराए जाने वाले जो अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर माननीय आयोग द्वारा यहाँ पर निरस्त कर दिया गया। तो ये दो अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पर आप लोग नाम देख सकते हैं, इनका भी यहाँ पर जो है अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया गया डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से। तो इनका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका जल्दी होगा, इसके लिए जो है जो कार्यालय के द्वारा यहाँ पर जो डाटा है वो इसकी साइट पे है, जो निरस्त घोषित कर रखा है अभ्यर्थी की लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, दूसरी अपडेट जो कि आप लोग देखते हैं 21 दिसंबर को है, और यहाँ पर जो है ARO और RO, तो यहाँ पर जो है इन पदों की जो लिखित परीक्षा है वो आपका 23 जनवरी को फिक्स कर दिया गया है। इसके एडमिट कार्ड जो है आपको 8 जनवरी 2022 को यहाँ पर जो है डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाएगा UKPSC के ऑफिशियल साइट पर, यानी कि आपका जो सहायक समीक्षा अधिकारी है और समीक्षा अधिकारी है इन पदों की भर्ती, जो कि आपके विज्ञापन आया हुआ था 15 अगस्त 2021 को, जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका यहाँ पर पेपर है 23 जनवरी 2022 को, एडमिट कार्ड 8 जनवरी को निकल जाएंगे।